और नवादा में दलितों पर हुए अत्याचार को लेकर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है, सुनिए जरा। नवादा में जो दलितों के बस्ती में आग लगाया गया है उस पर राज्य सरकार बहुत गंभीर है और गंभीरता से इसकी जांच करा रही है और अविलंब दोषियों पर कार्रवाई होगी और बहुत कठोर कार्रवाई होगी और ये पूरे घटना पर प्रशासन नजर बनाए हुए है और सरकार जो है संजीदगी से संवेदना के तहत उस पर पूरा अपना निगाह बनाए हुए है और वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा, सभी को इंसाफ मिलेंगे और सरकार इस में किसी को न बचाएगी और न किसी को फंसाएगी। वहाँ पर जो है एकदम जो है गंगा जमुनी तहजीब फिर से वहाँ स्थापित होगा और राज्य सरकार जो है लगातार वहाँ पर प्रशासन के लोगों के माध्यम से वहाँ पर शांति बनाए हुए हैं। नवादा के कृष्णा नगर की जो दुखद घटना है, प्रथम दृष्टया में भू विवाद का मामला है। प्रशासन को ज्यों ही जानकारी मिली 20 मिनट के अंदर प्रशासन घटना स्थल पर पहुंच गया। अब तक जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार कोई इंजूरी की सूचना नहीं है। स्थानीय तौर पर मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया, पुलिस बल की तैनाती है। सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोई कोशिश करेगा या कतई मंजूर नहीं और 13 लोगों की अब तक गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। प्रशासन मुकम्मल कार्रवाई के लिए मुस्तैद है। नहीं, जो घटना हुआ है दुखद है और सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। ऑलरेडी सब जगह मैसेज दे दिया गया है, जो भी कल्प्रिट है अरेस्ट भी हो रहा है और कोई बचेगा नहीं इससे। दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना और कम से कम सरकार में इस तरह का कभी अलाउ नहीं किया गया है, तो जो लोग भी होंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मैंने अखबार में तो यही देखा है कि लैंड डिस्प्यूट को लेकर के है और जो भी इसमें इन्वॉल्व है। राजीव कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। राजीव, क्या ये है सुशासन बाबू का राज? दबंगों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है? दलित बस्ती में घुसकर 100 से ज्यादा घरों को इस तरह से आग के हवाले कर दिया जाए? बिल्कुल, 18 घंटे हो चुके हैं और वहाँ जो स्थिति है वहाँ सामान्य मतलब की हो रही है। ये कहना है नवादा जिला के आशुतोष कुमार वर्मा जो TM है और उनका ये साफ साफ ये कहना है कि वहाँ पर सूखा जो भोजन है मुहैया कराई जा रही है, वहाँ पुलिस की संख्या में काफी मतलब की इजाफा हो गया है। यानी यूं कहें कि इलाके को पुलिस छावनियों में तब्दील कर दिया गया है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब तो किया ही जाएगा, लेकिन राजीव सवाल खड़ा हो रहा है कि कौन थे ये लोग, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, क्या कुछ पूरी वजह थी, जरा इस बारे में भी बताएं। बिल्कुल, अगर हम घटना के बारे में बताएं तो ये घटना कल मतलब की संध्या 7:20 पर मतलब की हुआ था। इलाके के जो लोग थे वो बाहर मतलब की गर्मी के मौसम में वो मतलब के ताजी हवा खा रहे थे और इसी दौरान वहाँ सैकड़ों की संख्या में जो दबंग वहाँ आए और लगभग 80 घरों में घुसकर आग के हवाला कर दिया और वहाँ गोलियां बरसाई गई, इलाके में दहशत फैलाया गया और वहाँ मारपीट भी की गई और स्थिति ऐसी थी कि वहाँ चीख पुकार की आवाज बहुत देर के बाद प्रशासन को सुनी। जब तक कुमकर्णी नींद में प्रशासन उठी तब तक देर हो चुकी थी, कई घर जो है वो आग के हवाला हो चुका था और वहाँ पुलिस जब वहाँ पहुंची। सवाल ये भी खड़ा होता है राजीव, इनके पास हथियार कहाँ से पहुंचे, कैसे पहुंच गए, पुलिस प्रशासन क्या करता रहता है, कहाँ सोता रहता है? यानी कि 50-50 राउंड वहां पर पहले फायरिंग की जाती है, उसके बाद इत्मीनान के साथ 80 से 100 घरों को आग के हवाले कर दिया जाता है और पुलिस प्रशासन को भनक तक नहीं लगती? बिल्कुल, जिस तरह से मतलब कि वहाँ घटना जो घटी है अगर इस तरह से कहा जाए तो ये सोची समझी साजिश मतलब कि इसको मानिए। और चूंकि प्रशासन को इस बात की भनक तक नहीं थी, जबकि वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोगों को दबंग के द्वारा पहले ही जमीन को लेकर जिस तरह से धमकी दिया जा रहा था इसको लेकर प्रशासन को हम लोगों ने सूचना दिया था, अपने डर के बारे में बताया था, बावजूद जो मतलब की स्थानीय जो थाना पुलिस है वो इसको गंभीरता से नहीं ली। अगर पुलिस इसको गंभीरता से ली होती तो नवादा में 80 जो घरों को दबंगों के द्वारा जो मतलब के आग के हवाले किया गया था वो बिल्कुल मतलब वो उससे लोग बचे रहते, कई घरों को मतलब अच्छा, जो दोनों गया पक्षों की तरफ से राजीव दावा किया जा रहा है, अपनी अपनी से जमीन बताई जा रही है, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दरअसल इन दोनों में से किसी की भी जमीन है ही नहीं,
ये जमीन तो बिहार सरकार की है, इस बारे में एक्चुअल फैक्ट्स क्या है, क्या कहना है वहां के लोगों का, ये जमीन है किसकी और ये दोनों पक्ष आपस में क्यों उलझे हुए हैं जमीन पर, अगर ये बिहार सरकार की है तो क्या कब्जा किया हुआ है? बिल्कुल, जिस तरह से जिला प्रशासन से मतलब इस बाबत जब बात हुई, वहां के जो डीएम है आशुतोष कुमार, उससे जब जनतंत्र टीवी के पत्रकार ने जो बात किया तो उन्होंने मतलब कहा कि देखिए अभी जो मामला है काफी तनावपूर्ण है, उसको हम लोग शांतिपूर्ण कैसे मतलब के हो उसको लेकर यहां पर पुलिस की भारी संख्या में तैनाती की गई है और इसमें जो भी दोषी होंगे वो मतलब की बचेंगे नहीं। और बता दें कि अभी पिछले रात में तकरीबन 10 जो दबंग है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और आज 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो कुल मिलाकर 15 जो दबंग है उसको जेल की सलाखों में पहुंचा दिया गया है और भी छापेमारी हो रही है। प्रशासन का ये कहना है कि जो भी आगजनी में कितना जानमाल का नुकसान हुआ है राजीव जी? बता दें कि जो 80 घरों में अगर जो जो आगजनी जो हुई है तो लगभग लाखों की क्षति मतलब बताई जा रही है। हालांकि इस बाबत जब मैंने वहां के डीएम आशुतोष कुमार से वर्मा से जब बात किया कि आखिर सरकार के द्वारा मुआवजा राशि कब तक मिलेगा, तो उन्होंने मतलब कहा है कि सभी पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा, जो भी उनका मतलब जो नुकसान हुआ है उसका जो सरकार है पूरी तरह से भरपाई करेगी। और अब बता दें कि अब इसको लेकर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है, सत्ता पक्ष और जो विपक्ष है अब वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने अब इसको इस घटना को पूरी तरह से राजद पर ही एक तरह से उन्होंने मतलब कि इशारा किया है। भला कैसे चुकेंगे इस तरह की आग पर राजनीतिक रोटियां सेकने से, इसलिए अब उन्होंने बयानबाजी करनी शुरू कर दी है। मुआवजा देने की बात आपने कही राजीव, जाहिर तौर पर मुआवजा तो देना पड़ेगा, लेकिन मुआवजे से पहले सुरक्षित माहौल क्या मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल, ये मतलब कि बहुत बड़ा सवाल मतलब कि उठना यहाँ लाजमी है, क्योंकि वहाँ जो पीड़ित हैं वो काफी डरे हुए हैं, काफी सहमे हुए हैं और ये भूमि विवाद को लेकर पिछले कई दिनों से जो दबंग है वो उनको डरा रहे थे, धमका रहे थे और इलाके में मतलब कि वो छोड़ने की बात कर रहे थे। इसको लेकर जो दलित वर्ग के जो समुदाय के जो लोग हैं वो काफी डरे थे। 15 लोगों को पकड़ लिया गया है, आगे और क्या एक्शन होता है नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका राजीव कुमार इस बातचीत के लिए।